अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही एक अहम मेडिसिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है पैनाडाल। इसका जो ब्रांड नेम है वो पैनाडाल है और जो इसमें मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो पैरासीटामोल है। दोस्तों, पैरासीटामोल की जो गोलियाँ हैं ये बाज़ार में बहुत से ब्रांड की मौजूद हैं, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर मैं पूरी लिस्ट की बात करूँ तो वीडियो पूरी जो है वो उसमें मैं शायद आपको ना बता सकूँ। तो दोस्तों, पैनाडाल जो है, जो पैरासीटामोल गोली है, ये बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी ये एंटी पायरेटिक है। एंटी पायरेटिक कौन सी मेडिसिन होती हैं जो कि बुखार को वक्ती तौर पर कम करती हैं, ऐसी मेडिसिन को एंटी पायरेटिक मेडिसिन कहा जाता है। इसके अलावा जो मेडिसिन दर्द को कम करती हैं उनको बतौर एंटी पायरेटिक मेडिसिन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, पैनाडाल को आप पैनाडाल जो है इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। तो दोस्तों, अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो इसको आप बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं और बुखार में बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट है। इसके अलावा बतौर पेन किलर यानी दर्द की सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट देती है। लेकिन आप जब भी ये इस्तेमाल करें तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये बात आपको क्लियर कर दूं कि सिर्फ इस गोली की बात मैं नहीं कर रहा, कोई भी मेडिसिन जो है एलोपैथिक मेडिसिन, वो डॉक्टर के नुस्खे के बगैर और मशवरे के बगैर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो बुखार में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो अगर इसके साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसान की बात की जाए तो नुकसान भी इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे इससे एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है, उसके अलावा आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है यानी आपके मैदे में ज़ख़म बन सकता है, जिसकी वजह से आपके पेट में शदीद दर्द की सूरत हाल बन सकती है। इसके अलावा आपके पूरी बॉडी के ऊपर रैश बन सकते हैं और पूरी बॉडी आपकी सुर्ख हो जाती है। इससे आपको नाजिया यानी आपको मतली आने लगेगी, यानी आप उल्टी के लिए आपका दिल करेगा लेकिन आपको उल्टी आएगी नहीं। तो ये सूरत हाल बन सकती हैं इसको इस्तेमाल करने में। तो कोशिश करें, हम में से अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह करते हैं कि मेडिकल स्टोर पे गया, हमारे पाकिस्तान में ये तकरीबन किराने की दुकान पे भी मिल जाती है पैनाडाल की गोली, ठीक है, वहाँ पे गया, हमें दो पैनाडाल की गोलियाँ दे दें जी, वहीं से खाएं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ऐसा करना जो है ये नुकसानदेह भी हो सकता है, बाज़ अवक़ात आपको वक्ती फ़ायदा मिल जाएगा लेकिन अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है। तो कोशिश करें कि डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, डॉक्टर के नुस्खे के बगैर इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और ऐसा करने से आप अपनी जो कीमती सेहत है आपकी वो महफूज रहेगी और आप इस मेडिसिन का बेहतर फ़ायदा उठा सकेंगे बजाय आप खुद इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो आज की वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगेबान।